इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शनि का राहु और केतु से ताल्लुक क्या है। शनि राहु शनि केतु मिलके पापी शनि कर देते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल कैसे हो सकते हैं। मंगल ग्रह की मदद से हम इस पापी शनि के कॉम्बिनेशन को, यानी शनि राहु शनि केतु के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कैसे रख सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को बिना उपायों के अपनी लाइफ में यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, शनि को जब भी, शनि के एजेंट्स हैं दोनों राहु और केतु, राइट। तो शनि को जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है या केतु की दृष्टि पड़ती है तो शनि पापी हो जाता है। लेकिन ये पापी होने का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग बहुत गहरा है। लाल किताब एक एक वर्ड को बहुत मैटर करती है, एक छोटे से छोटा वर्ड भी बहुत चेंज ले आता है उस वर्ड के मीनिंग में। देखो, राहु की एनर्जी, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राहु इल्यूजन्स हैं, राहु हमारी सोच है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। तो राहु जब शनि पर दृष्टि डालता है ना, तो उस वक्त आपके बिजनेस में सोच को बढ़ा देता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। और केतु जब शनि पर दृष्टि लाता है तो वो एक प्रैक्टिकल चेंज लेके आता है। केतु की एनर्जी क्या है, केतु है किसी भी चीज को तोड़ना प्लस जोड़ना, ठीक है। केतु के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन केतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। केतु हमारी बॉडी के ना जॉइंट्स हैं, ये इवन हमारी, ये देखिए, ये फिंगर भी जो है ना, एक सिंपल फिंगर, इसमें तीन जॉइंट्स हैं। एक तो ये सिंपल बेसिक जॉइंट, दूसरा ये जॉइंट, तीसरा ये जॉइंट। अब आपका अपने जॉइंट्स के ऊपर कितना कंट्रोल है, ये सिंपल वन, ये टू, सारे कर लेते हैं, ये थर्ड, ठीक है ना। तो ये भी जॉइंट है, अगर ये जॉइंट्स ना हो तो आप अपनी फिंगर का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस वैसे ही केतु जो है वो हमारी लाइफ में हर चीज का इम्प्लीमेंट है, कि राहु के हुक्म पर केतु चलना है, यानी सोच आएगी तो हम कर्म करेंगे। वैसे ही जो शनि से राहु का ताल्लुक है, कि उसने वर्सेटैलिटी दी, केतु ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जब केतु शनि को देखता है ना, तो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करा देता है। कई बार तो इंसान सोचता भी नहीं, बिना सोचे समझे अपने काम में इम्प्लीमेंट कर देता है, फिर कई बार नुकसान भी खाता है, क्योंकि केतु ने शनि को पापी करना है। तो ऐसे में राहु को या केतु को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट कौन है, वो है मंगल। तो मंगल क्या है, हमारे दोस्त, हमारे एफर्ट्स, हमारी हर तरह की मेहनत। हमारे राहु को भी कंट्रोल करने वाला मंगल है, यानी कि हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं। और केतु को कंट्रोल करने वाला भी मंगल है। कैसे, कि जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी किसी भी काम को करने के लिए जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस करते हैं। देखिए, आपको हर चीज़ को समझते हैं कि हमारे बिजनेस को हम कैसे प्लान करते हैं, कि हमारी जो भी आइटम है सेल करने के लिए, हमारे क्लाइंट्स की उसके थ्रू उसके लिए क्या सोच है, हमारे क्लाइंट्स उसको कैसे चाहते हैं, हम उसको वैसे प्रेजेंट करते हैं। हमारे जो कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम उसके लिए उसको टूर करते हैं। यानी कि देखिए, राहु क्या है, प्लानिंग स्ट्रेटजी। तो राहु यानी हमने प्लान किया कि हमें अपने करियर को ऐसे करना है। केतु, हमने टूरिंग की। बहुत लोग टूर करके अपने प्रोफेशन को, करियर को बढ़ाते हैं। अब वो टूरिंग में कमी किसने लाई, इंटरनेट ने, यानी राहु ने। तो आजकल सारा काम ऑनलाइन बढ़ गया, लेकिन उस ऑनलाइन बढ़े हुए काम को डिलीवर करने के लिए, अपने आइटम्स को सेल आउट करने के लिए केतु की एनर्जी भी चाहिए। यानी डिलीवरी बॉयज जो हैं, कोरियर कर रहे हैं या कैसे भी घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं, तो वो केतु की एनर्जी है। लेकिन वो कैसे पहुंचा रहे हैं, मंगल के थ्रू। आप देखिए कि जो भी डिलीवरी एप्स हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर उनकी यूनिफॉर्म रेड कलर में है, या फिर कुरियर एजेंसीज में रेड कलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रेड कलर किसका है, मंगल का। और हम कहां पर टूर करते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जहां पर हमारे कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वहीं पर उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो राहु केतु को कौन कर रहा है, मंगल। अगर जिसको मुझे सामान सेल आउट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी, ऑब्वियसली मैं उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। यानी मेरे बिजनेस कॉन्टेक्ट्स जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं अपने बिजनेस को
पहले प्लान करूंगा स्ट्रेटजी यानी राहु, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा यानी केतु। तो ऑब्वियसली कि मेरे बिजनेस की स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंट्स को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? मंगल, यानी कि मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। तो इस तरीके से जो इंसान को अपने करियर में बहुत ज्यादा राइज करना है ना, तो वो इंसान को एक फंडा हमेशा अपनाना चाहिए कि जो मेरे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। जो एक पर्टिकुलर लाइन में अक्सर लोगों ने अपनी शॉप्स पे लिखा होता है कि ग्राहक भगवान है, कि जो हमारा ग्राहक है वो हमारा भगवान है। क्यों? कि ग्राहक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कमाई होगी, कमाई होगी तो हम ग्रो करेंगे। तो ये फंडा है मंगल की मदद से राहु केतु और शनि को अलाइन करके रखने का। जो इंसान अपने बिजनेस में अपने कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को अलाइन कर लेगा वो बंदा राइज करेगा ही करेगा। और जो बंदा अपने मंगल की एनर्जी को नेगेटिवली यूज करेगा, मतलब कि अपने कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स के साथ एटीट्यूड दिखाएगा, मंगल क्या है, मंगल एटीट्यूड भी है, गुस्सा भी है, तो अगर उन्हीं कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स के साथ आप एटीट्यूड शो करते हो तो आप राइज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो लोग आपको छोड़ जाएंगे। तो अब इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग अगर हमें उपाय करने हो कि हमें मंगल को भी बैलेंस करना है, राहु को भी बैलेंस करना है, केतु को भी बैलेंस करना है, तो वो क्या है? वो है मंगल घर की खुशी, यानी आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को खुश रखना है। मंगल को मंगल दे करके ही आप खुश कर सकते हैं। जैसे कि हर बंदा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली गिफ्ट्स जो है वो फर्दर डिलीवर करता है हर काम में, कहीं ना कहीं जहां पर गिफ्ट्स का एक्सचेंज शुरू हो जाता है उन गिफ्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो सकती हैं, टूरिंग पैकेजेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स राहु की हैं, टूरिंग पैकेजेस केतु के हैं। किस लिए ये चीज़ें दी जाती हैं? शनि को ग्रो करने के लिए। किन्हें दी जाती हैं? जो लोग आपके कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब चीज़ें आपकी हो भी सकें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी ज़बान। और ज़बान किस ग्रह की है? बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का शनि के साथ क्या ताल्लुक है, कैसे ताल्लुक है? आप उस बुध ग्रह की मदद से अपने बिजनेस को राइज करने के लिए कैसे उस बुध ग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बुध ग्रह किस तरीके से आपके बिजनेस के साथ इस हद तक अटैच है कि आप उस बुध ग्रह को कभी भी डाउन पड़ने ही नहीं दे सकते, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में, जो कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।